रही हूँ आम का कचरी बनाने। इस चीज़ के लिए मैंने आम को धुल करके पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं। हमने आम को स्लाइस काट के रख लिए पतले पतले से। अब हम इसमें नमक, हल्दी और हींग मिला करके वो कर लेंगे। मिला करके अच्छे से रख दिया है। अब इसे एक डब्बे में डाल करके 8-10 घंटे के लिए छोड़ देंगे। बाद मेरा आम इतनी अच्छे तरीके से गल के तैयार है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। सब मसाला, राई, चिली पाउडर, और थोड़ा राई का तेल डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होकर के तैयार हो गया है। अब आप इसे एक डब्बे में डाल करके 2-3 दिन के लिए धूप दिखा करके रखें और खाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें।